वेलकम बैक टू माई चैनल, इट्स स्वाति है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ एक फेस पैक लेके आई हूँ और ये होम मेड फेस पैक होगा ऑयली टू कॉम्बिनेशन टू पिंपल प्रोन स्किन वालों के लिए। अब ऑयली स्किन वालों को हमेशा यू नो टेंशन होती है, उनके फेस के ऊपर एक्सेस ऑयल आता रहता है जिसकी वजह से पिंपल्स हो जाते हैं। एंड तो डियर, आज का जो मैं फेस पैक लेके आई हूँ ये आपके स्किन वाइटनिंग फेस पैक होगा। आपके पिंपल्स भी खत्म हो जाएंगे, उससे आपका रंग भी साफ होना शुरू हो जाएगा। पिंपल्स के होने के बाद जो यू नो ब्लेमिशेस वगैरह रह जाते हैं, ब्राउन स्पॉट्स रह जाते हैं, वो उसको भी क्लीन करेगा एंड डेड स्किन हटाएगा आपके फेस के ऊपर से। जितने व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है वो भी क्लीन अप करेगा। अब आप फटाफट से देखो ये फेस पैक कैसे बनता है और मैं इसको कैसे अप्लाई करती हूँ। सबसे पहले आपने दो टमाटर लेने, बिल्कुल रेड और फ्रेश होने चाहिए। अब आप इनकी प्यूरी बना लो, बिल्कुल फाइन पेस्ट एंड प्यूरी बन जानी चाहिए। अब आपने इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड करनी, ये है किसान हर्बल्स की मुल्तानी मिट्टी, लोकल स्टोर से ली थी मैंने। ये है अब आपका चंदन पाउडर, ये अमेजन से लिया था मैंने। अब आपने लेना मुलेठी पाउडर, ये भी अमेजन से लिया था। दोनों चीज़ों का परचेज लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड ये है राइस फ्लोर चावल का आटा, ये आपको कहीं से भी मिल जाएगा, मार्केट से, लोकल स्टोर से। अब आपको चाहिए दो एसेंशियल ऑयल, ये है लेमन एसेंशियल ऑयल और टी ट्री एसेंशियल ऑयल। ये दोनों गुड वाइब्स के हैं और आपको एक्सक्लूसिवली सिर्फ purple.com पे मिलेंगे। अब आपको चाहिए क्लीन बाउल, उसमें मैं एक चम्मच चावल का आटा डालूंगी, एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी, एक चम्मच मुलेठी पाउडर और एक चम्मच आपने चंदन पाउडर डालना है। सबका हिसाब आपने 1:1:1:1 रखना है। और आप चाहो तो ये ड्राई पाउडर को आप मिक्स करके एयरटाइट कंटेनर में भी रख सकते हो कि आपका जब मन करे आप इसको यूज कर लो, टोमेटो प्यूरी ऐड करके और एसेंशियल ऑयल्स ऐड करके। अब अपने अंदाजे से अपने टोमेटो प्यूरी ऐड करनी है, जस्ट अंदाजे से ऐड करना ताकि आपका पेस्ट बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो जाए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना लगे, इजिली अप्लाई हो जाए एज अ फेस पैक। अच्छी तरह से मिक्स कर लो आप इसको। अब हम इसमें एसेंशियल ऑयल डालेंगे। सबसे पहले लेमन एसेंशियल ऑयल सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालना, सिर्फ 2 ड्रॉप्स, उससे ज़्यादा मत डालना। और टीटी एसेंशियल ऑयल ये भी सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालूंगी मैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लो। एंड अब मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, ये वेगा का ब्रश है। एंड जो आपने इसमें मुलेठी पाउडर डाला वो आपके रंग को साफ करेगा, दाग धब्बे खत्म करेगा। चंदन पाउडर आपको ठंडक प्रोवाइड करेगा और जो मुल्तानी मिट्टी होती है वो एक्सेस ऑयल हटाएगा आपकी फेस से। और जो हमने चावल का आटा डाला वो आपका स्क्रब का काम करेगा। जब आपने 20 मिनट्स इसको रखना है, जब आप इसको उतारोगे, स्क्रब करके उतारना एंड देखना आपकी स्किन के ऊपर से जितनी गंदगी और डेड स्किन है सब हट जाएगी। और ये जो हमने एसेंशियल ऑयल्स डाले, लेमन एसेंशियल ऑयल रंग साफ करेगा, व्हाइटनिंग की प्रॉपर्टीज होती है, एक्सेस ऑयल हटाएगा। टी ट्री ऑयल आप सबको पता है कि वो होता है पिंपल्स के लिए, पिंपल्स की आपकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट करेगा। 20 मिनट्स के बाद देखो मेरा फेस पैक सूख चुका है। एंड अब मैं इसको वॉश करती हूँ। डियर, मैं नहाई आई थी क्योंकि मेरा बिल्कुल यू नो पूरा नेक तक मैंने लगाया था तो सारे मेरे कपड़े भी गंदे हो गए थे। एंड आप देखो मेरी स्किन कितनी क्लीन हो चुकी है। लेकिन मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी एंड में, प्लीज़ कोई भी फेस पैक लगाते हो उसके बाद आप टोनर जरूर लगाया करो। ये एक्स्ट्रा टिप है आप लोगों के लिए, इससे आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मैंने बायोटिका बायो कुकुम्बर टोनर यूज़ किया, इसका ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर रिव्यू है। टोनर करने के बाद आपने कुछ भी अपना यू नो मॉइस्चराइजेशन करनी है एंड लिप बाम लगाना है। टोनर इज वेरी इंपॉर्टेंट आपकी, नहीं तो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम तभी खत्म होगी। एंड आप देखो, अब आपने देख लिया ये फेस पैक बनाना कितना इजी था और ये फेस पैक के इंग्रेडिएंट्स देख के आपको पता लग गया होगा कि आपके स्किन को कितना बेनिफिट देंगे। आपके पिंपल की प्रॉब्लम भी खत्म होगी और जितना एक्सेस ऑयल होगा आपके स्किन के ऊपर से वो भी क्लीन हो जाएगा। ऑयल जब खत्म हो जाएगा, जब पिंपल के दाग धब्बे खत्म हो जाएंगे तो आपकी स्किन अपने आप वाइटन अप लगेगी। तो आप ये वाला फेस पैक जरूर ट्राई करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, हेल्पफुल लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सबके साथ शेयर कर सकते हो और मुझे प्लीज इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज पे भी फॉलो अप करो। सो टिल देन, बाय।